को लेकर है। दिल्ली में रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कई नामों पर चर्चा हुई। हालांकि अभी कोई भी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, ना ही किसी का भी नाम फाइनल हो पाया है। ये रिपोर्ट देखिए। भजनलाल कैबिनेट पर कयासों का दौर जारी, फिर चौंकाएंगे मंत्रिमंडल के चेहरे या संभावित चेहरे बनेंगे कैबिनेट का हिस्सा। राजस्थान में नई सरकार के शपथ समारोह को कई दिन बीत चुके हैं। भजनलाल सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि कैबिनेट का गठन कब होगा, अगर होता है तो कौन कौन इसका हिस्सा होंगे। इन सब सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा अपने दिल्ली दौरे में इन सब सवालों के जवाब लेकर आएंगे। सूत्रों की माने तो रविवार रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक हुई, उसमें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले कई नामों पर चर्चा हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी इस बैठक में शामिल थी। एक तरफ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सुगबुगाहट तेज है, तो वहीं इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके आवास पर करीब आधे घंटे मुलाकात की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिले सीएम भजनलाल शर्मा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी सीएम ने भेंट की। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मलमास के बाद में राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन पिछले दो दिनों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित दोनों मंत्रिमंडल को लेकर है। दिल्ली में रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कई नामों पर चर्चा हुई। हालांकि अभी फाइनल कोई नाम नहीं हुआ है। भजनलाल कैबिनेट पर कयासों का दौर जारी, फिर चौंकाएंगे मंत्रिमंडल के चेहरे या संभावित चेहरे बनेंगे कैबिनेट का हिस्सा। राजस्थान में नई सरकार के शपथ समारोह को कई दिन बीत चुके हैं। भजनलाल सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि कैबिनेट का गठन कब होगा, अगर होता है तो कौन कौन इसका हिस्सा होंगे। इन सब सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा अपने दिल्ली दौरे में इन सब सवालों के जवाब लेकर आएंगे। सूत्रों की माने तो रविवार रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक हुई, उसमें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले कई नामों पर चर्चा हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी इस बैठक में शामिल थी। एक तरफ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सुगबुगाहट तेज है, तो वहीं इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके आवास पर करीब आधे घंटे मुलाकात की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिले सीएम भजनलाल शर्मा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी सीएम ने भेंट की। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मलमास के बाद में राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन पिछले दो दिनों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली दौरे के ऊपर है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगले एक से दो दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राजस्थान की नई सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर जो सुगबुगाहट है, अगर उस पर गौर करें तो पहले चरण में नई कैबिनेट में 15 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ऐसे कयास हैं कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिल सकती है, और ऐसी भी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में नाम का ऐलान हो सकता है।
सूत्रों की माने तो रविवार शाम जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक हुई उसमें कई नामों पर सहमति बन चुकी है। सीएम के दो दिन के दिल्ली दौरे के बाद इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल किया जाएगा उनका ऐलान हो सकता है, लेकिन जिन नामों पर चर्चा जारी है उनमें बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, अनीता भदेल, दीप्ति किरण माहेश्वरी, मदन दिलावर, महंत प्रताप पुरी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, ओटा राम देवासी, सुमित गोदारा, जोगेश्वर गर्ग, बाबू सिंह राठौर, हमीर सिंह भायल, जवाहर सिंह बेडम का नाम शामिल है। नियम कहता है कि सीएम के साथ ज्यादा से ज्यादा 30 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। बीजेपी सीएम के तौर पर भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा को डिप्टी सीएम बना चुकी है। इसके बाद अब 27 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। फिलहाल केवल 20 मंत्री ही बनाए जाने की चर्चा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बनाई गई है, जिन्हें राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। कालीचरण सराफ के हाथ प्रोटेम स्पीकर की कमान, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई शपथ। राजभवन में राज्यपाल के जरिए शपथ ग्रहण कराते ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार विधायक रहे कालीचरण सराफ 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बन गए। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ अब नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए 3 सदस्य पैनल बनाया गया है, जिसमें विधायक दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को शामिल किया गया है। परंपरा के मुताबिक विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद पहले 2 दिन नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। सदस्यों के शपथ के बाद विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर ही विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही संचालित करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रोटेम स्पीकर होता कौन है। प्रोटेम का मतलब होता है कुछ वक्त के लिए, यानी अस्थायी होता है। सबसे ज्यादा चुनाव जीते विधायक को बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति गवर्नर करते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाते हैं। विधायकों की शपथ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। स्पीकर के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का कार्य खत्म हो जाता है। कालीचरण सराफ ने जयपुर की मालवीय नगर सीट से विधानसभा का चुनाव जीता है और हैट्रिक मारी है। 3 बार उनके सामने कांग्रेस ने अर्चना शर्मा को खड़ा किया और 3 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।